हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस हफ्ते के रॉक रिजल्ट्स और हाइलाइट्स। लेटेस्ट रेसलिंग न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। रॉ की गो होम शो की शुरुआत रोंडा राउजी के सेगमेंट से हुई, जहां दोनों टीमों ने अपने मेनिया के मैच के बारे में बात की। इस सेगमेंट का एंड काफी अच्छा था, जहां ट्रिपल एच ने कर्ट एंगल को पीछे से अटैक किया और रोंडा ट्रिपल एच को मारने लगी, और इसी बीच स्टेफनी ने आके टेबल के थ्रू एक बॉडी स्लैम दिया। गेस व्हाट, इस सेगमेंट में भी रोंडा का माइक स्किल्स अच्छा नहीं था। शो का अगला मैच बेली और सोनिया डेविल का हुआ, जिसमें बेली ने रोल अप के जरिए मैच जीता और कंफ्यूजिंगली साशा बेली को बचाने आई। आखिर में बेली ने साशा पर अटैक किया। ओह गॉड, कोरी ग्रेव्स की कमेंट्री बहुत अच्छी थी, जहां सोनिया और डेविल बेली और साशा को मारने वापस आई। कोचमैन ने कहा सोनिया और डेविल हाइना है, और कोरी ग्रेव्स ने बोला हाउ डेयर यू कॉल मैंडिया हाइना। फिन और सेथ का मैच हुआ, इसमें कोई शक नहीं है ये एक जबरदस्त मैच था। इसमें कई अच्छे स्पॉट्स थे, जहां फाल्कन आरो से फिन ने रोल अप की कोशिश की, फिन ने द नी से किक आउट किया, फिन ने फ्रॉग स्प्लैश को रोल अप में कन्वर्ट किया, और आखिर में सेथ ने द स्टॉम्प मार के मैच जीत लिया। ये एक बिल्कुल स्पॉट फेस्ट था। अगले सेगमेंट में द बार ने ब्रॉन के बारे में बात की। इसी बीच ब्रॉन आए और अपने नए पार्टनर की बात करने लगे और कहा वो उन्हें बुला के आएंगे, और ब्रॉन वापस जा कपड़े बदल कर आए और कहा कि वो ब्रेन्स है। ये एक अच्छा कॉमेडी सेगमेंट था। अगला मैच मैट और गोल्डस्ट का हुआ, जिसको मैट ने जीता। अगला सीना का प्रोमो हुआ, जिसमें सीना और क्राउड ने अंडरटेकर को फिर से इनवाइट किया मेनिया के लिए। लगता है कि स्मैकडाउन के मेन इवेंट में टेकर दिखाई देंगे। एलायंस ने स्लेटर को हराया। अगला मैच ऑस्का डेना ब्रुक वर्सेस मिकी जेम्स और अलेक्सा ब्लिस का हुआ। इसमें डेना ब्रुक बेबी फेस थी। WWE को डिसाइड कर लेना चाहिए डेना ब्रुक क्या है। इस मैच को ऑस्का और डेना ब्रुक ने जीत लिया। मैच के बाद ब्लिस को मारने नाया जैक्स आई, लेकिन ब्लिस वहां से भाग गई। शो के मेन इवेंट में रोमन और लेसनर का सामना। रोमन ने शुरुआत में लेसनर को 5 सुपरमैन पंचेस दिए, लेकिन आखिर में लेसनर ने रोमन को FI देके शो एंड किया। हफ्ते का रॉ थोड़ा अबोव एवरेज था। पहला हाफ काफी अच्छा था, वही दूसरा हाफ इतना नहीं। सेथ और फिन का मैच इस शो का हाइलाइट था। हमारे हिसाब से ये शो 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स का था। तो फ्रेंड्स, क्या आपके हिसाब से स्मैकडाउन की मेन इवेंट में टेकर दिखाई देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।